तो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है श्रीराम। तो आज हम बात करने वाले हैं बियर्डो का विस्की स्मोक बॉर्बन परफ्यूम के बारे में, एंड ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है, एंड मेन बात ये परफ्यूम का परफॉर्मेंस कितनी देर तक है मैं आपको बताता हूँ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी हम इनके पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो इसका बॉक्स कुछ देखने में ऐसा है, आप देखिए। एंड इसके साइड पे यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है। इसका ओरिजिनल प्राइस है 999, एंड ये मेरे को फ्लिपकार्ट में कुछ 400 के आसपास में पड़ा था। तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से इसको परचेस कर लीजिए, ठीक है। एंड 50 ml का बॉटल आपको मिल जाता है, एंड EDP कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। आपको मैं बॉटल दिखा देता हूँ। इसका इंटरफेस ऐसा है, देखिए, यहाँ से ऐसा ओपन होता है, एंड ये है इसका बॉटल, ये देखिए। ग्लास मटेरियल का आपको बॉटल मिल जाता है, एंड प्लास्टिक का कैप आपको मिल जाता है, जो ठीक ठाक है क्वालिटी प्राइस के हिसाब से। तो ये है इसका बॉटल। तो चलिए अभी मैं आपको ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये परफ्यूम को किसको लगाना चाहिए, अगर मैं आपको बोलूँ, जो मेच्योर मेन रहते हैं ना, 25 to 30 ईयर्स के बीच में, उनको ये परफ्यूम लगाना चाहिए। उनके ऊपर बहुत ही मस्त बैठेगा, ठीक है। एंड ये परफ्यूम कौन से परफ्यूम से इंस्पायर है अगर मैं आपको बोलूं, तो वो परफ्यूम को बॉटल में इधर दे दूंगा। उसका नाम है टॉम फोर्ड ओम्बर लेदर, ठीक है। वो परफ्यूम के जैसे ये स्मेल करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो अभी मेन बात, ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है अगर मैं आपको बोलूं, फ्रेश, पाउडरी, स्पाइसी, थोड़ा थोड़ा सा स्वीट, वॉर्म, सिट्रस एंड वुडी। तो ये परफ्यूम वैसा स्मेल करता है, ठीक है। तो अभी मेन बात, ठीक है ना, ये परफ्यूम का सेंट प्रोफाइल अगर मैं आपको लूँ, मतलब ओपनिंग नोट में, इसमें से आपको एलिमी ग्रीन एंड ब्लैक पेपर का नोट स्मेल करने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंड ये दो नोट्स के साथ थोड़ा थोड़ा आपको ऊद का हिंट्स आपको स्मेल करने के लिए मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसके टॉप नोट में मतलब बेरगमॉट, एलिमी ग्रीन एंड ब्लैक पेपर का नोट है, लेकिन बेरगमॉट का नोट इसमें से आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। उसका नोट मतलब उसका स्मेल इसमें से आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। एलिमी ग्रीन अगर आपको पता नहीं हो तो देखिए, वो एक मतलब एक लीफ होता है, ठीक है। वो लीफ में से आपको ग्रीनरी एंड फ्रेश वाइब्स आता है, तो वो एलिमी ग्रीन है, ठीक है। एलिमी ग्रीन के साथ आपको ब्लैक पेपर आपको पता ही होगा, उसमें से आपको पाउडरी एंड स्पाइसी नोट्स आपको स्मेल करने के लिए मिलता है, ठीक है, ऊद के साथ, ठीक है ना। तो ये ओपनिंग नोट में तो ऐसा स्मेल करता है, थोड़ा थोड़ा सा फ्रेश एंड स्पाइसी एंड पाउडरी, ठीक है ना, वैसा स्मेल करता है ओपनिंग नोट में। वो जस्ट मतलब 10 to 20 मिनट्स तक उतना ही रहता है, ये जो टॉप नोट्स मैंने आपको बताया है वो उतना ही रहता है, ठीक है। एंड जब ये मिडिल नोट तक एंटर करने लगता है ना, मिडिल नोट में एंटर करने लगता है, जब ये 10 to 20 मिनट्स होने लगते हैं तब ये मिडिल नोट में एंटर कर जाता है, तभी आपको इसमें से जीरेनियम, लेदर, सैफ्रॉन एंड ऊद का नोट आपको स्मेल करने के लिए मिलता है, ठीक है। इसमें से आपको मतलब लेदर एंड ऊद का दोनों नोट्स प्रोमिनेंट है, एंड ये परफ्यूम जब ये मिडिल नोट में एंटर करने लगता है ना, तभी जो टॉम फोर्ड ओम्बर लेदर है ना, उसके जैसे ये स्मेल करने का कोशिश करता है, ठीक है, जब ये मिडिल नोट में एंटर कर जाता है तभी, ठीक है। अगर आपको जीरेनियम पता नहीं हो तो देखिए, वो एक फ्लावर होता है, उसमें से आपको फ्लोरल नोट आपको स्मेल करने के लिए मिलता है, थोड़ा थोड़ा सा स्वीट हिंट्स आपको देता है, ठीक है। एंड आपको लेदर आपको बताने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप यूज़ करते होंगे ना लेदर का बेल्ट या फिर शू, तो वो लेदर है, ठीक है। एंड सैफ्रॉन में से भी आपको थोड़ा थोड़ा सा हनी, मतलब थोड़ा थोड़ा सा मतलब स्वीट हिंट्स उसमें भी आता है, एंड ऊद, ठीक है ना, ऊद में से आपको थोड़ा सिट्रसी स्मोकी हिंट्स आपको स्मेल करने के लिए मिलता है, ठीक है। मतलब अभी जो मैंने आपको जो फोर नोट्स बोले हैं ना, फर्स्ट मैंने मतलब टॉप नोट मैंने, मिडिल नोट में, ठीक है, तभी ये जो लेदर, जिरेनियम, सैफ्रॉन एंड ऊद है ना, ये जो नोट्स बहुत ही अच्छे घुल मिल जाते हैं, ठीक है, जब ये मिडिल नोट में एंटर करता है तभी इसका मैजिक आपको पता चलेगा, ठीक है। एंड जब भी बेस नोट में एंटर करने लगता है 1 आवर के बाद, तभी आपको इसमें से ओरिस, पचुली मतलब पैचुली एंड मर, ठीक है ना, ये तीन नोट्स आपको स्मेल करने के लिए मिलता है। ओरिस का नोट उतना स्मेल इसमें से करने के लिए आपको नहीं मिलेगा, पैचुली एंड मर का नोट आपको स्मेल करने के लिए मिलता है, ठीक है। मतलब पैचुली से आपको थोड़ा थोड़ा सा मतलब थोड़ा ग्रीनरी, स्वीट एंड पाउडरी हिंट्स आपको स्मेल करने के लिए मिलेगा, एंड मर में से आपको थोड़ा
थोड़ा सिट्रस एंड वुडी नोट आपको स्मेल करने के लिए मिलता है, ठीक है, जब ये बेस नोट में एंटर करने लगता है। मिडिल नोट हो जाने के बाद, जब ये वन आवर के बाद, ठीक है ना, वन आवर के बाद बेस नोट में एंटर करने लगता है ना, तभी आपको इसमें से लेदर का, वुड का वो जो नोट रहता है ना, वो बेस नोट में मतलब थोड़ा थोड़ा ही आपको पता चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको पता चलेगा। एंड बहुत ही ज़्यादा आपको पचुली का जो स्पाइसी थोड़ा थोड़ा हिंट, पाउडरी एंड थोड़ा थोड़ा सा स्वीट एंड वुडी नोट आपको स्मेल करने के लिए मिलेगा जब ये बेस नोट में एंटर करता है तभी। तो अभी मैं आपको ये परफ्यूम को कभी लगाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये परफ्यूम का ओकेशन, ठीक है। तो देखिए, ये परफ्यूम आप विंटर के टाइम पे आप इसको लगाइए, विंटर के टाइम पे इसको लगाना बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि वो जो कूल एटमॉस्फेयर रहता है तभी ये जो सारे नोट्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे से आपको पता चलेगा एंड दूसरों को भी पता चलेगा, ठीक है। विंटर के टाइम पे जो आप आपके दोस्तों के साथ कुछ इवनिंग पे पार्टीज कर रहे हो या फिर कोई स्पेशल ओकेशन है तो तभी आप इसको लगा सकते हो। तो अभी मेन बात, ये परफ्यूम का परफॉर्मेंस कितनी देर तक है। तो देखिए, ये परफ्यूम का प्रोजेक्शन है 1 आवर, ठीक है ना, 1 आवर तक ये परफ्यूम का प्रोजेक्शन आपको मिल जाएगा। 1 आवर तक आपके जो अराउंड 1 फीट पे जो डिस्टेंस रहते हैं उनको भी पता चलेगा एंड आपके अराउंड जो भी कुछ जा रहा हो या फिर आ रहा हो उनको भी पता चलेगा, ठीक है। 1 आवर तक सिर्फ इसका प्रोजेक्शन 1 आवर है एंड इसका लॉन्जिविटी है मैक्सिमम 5 आवर्स, ठीक है ना, मैक्सिमम आपको इसका लॉन्जिविटी 5 आवर्स तक मिल जाएगा। अगर आपने इसके स्प्रेस कुछ 10 से 12 स्प्रेस अगर आपने इसको लगाया हुआ है तो आप इसको कुछ 6 घंटे तक आप इसको पकड़ लीजिए। तो भाई लोग, ये परफ्यूम के बारे में बस इतना ही, इसका रिव्यू बस यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपसे मिलता हूँ और दूसरे वीडियो में और नए नए परफ्यूम्स लेके, तब तक के लिए आप कंसिडर कर सकते हो लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर हो सके तो शेयर भी कर देना, ठीक है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।